पिछले दो दिन से यानी कल और आज बंबई के बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है जिसमें यह बताया गया है कि बोरीवली में एक 15 साल की लड़की जो नहाने गई थी उसकी डेथ हो गई और ये पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। इसलिए बहुत अर्जेंसी में ये वीडियो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बनाने के लिए कहा है, इसलिए वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करो क्योंकि इसमें कई लोगों की जान बच सकती है और कई परिवारों के जिंदगी तबाह होने से बच सकती है क्योंकि उसमें से एक विक्टिम मैं भी हो सकता था। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं और पहले तो भूमिका बताता हूं कि इस बनाने के ये वीडियो बनाने के पीछे चक्कर क्या है। ये जो महानगर गैस लिमिटेड का पाइपलाइन से गैस हमारे किचन में प्रोवाइड किया जाता है उसमें उस कंपनी का कोई दोष नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है। सिलेंडर के बदले पाइपलाइन से हम लोग गैस लेते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर इसको फिट करने आते हैं वो हमें कहते हैं कि आप इसका गीजर भी लगवा लो जिससे आपको पानी गर्म करने का जो खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो जाएगा। और वही गलती मैंने की, हमारे सोसाइटी में शायद सब लोगों ने की होगी। हमने गैस का गीजर लगाया, कई टाइम तक लंबे अरसे तक वो चलता रहा। वन फाइन डे जब सुबह से लेकर शाम तक मेरा बेटा जिसकी उम्र तब 14 साल थी वो क्रिकेट खेलकर आया, पूरा थका हुआ था, वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। 15-20 मिनट के बाद पता नहीं क्यों मैं और मेरी वाइफ यही इसी जगह पर बेडरूम में बात करते हुए बैठे थे तो हमको ऐसा लगा कि समथिंग इज रॉन्ग। हमने हमारे बेटे को यहीं से आवाज लगाई, राज आर यू ओके, तो उसने कहा हाँ, लेकिन उसकी आवाज में मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैं और मेरी वाइफ उठकर बाथरूम के सामने जाके खड़े हुए और उसका दरवाजा नॉक किया तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं और टेंशन में आ गया। तो मैंने उसको पूछा कैन यू ओपन द डोर, तो उसने कहा हाँ, लेकिन तब तक उसकी वॉल्यूम लेवल बहुत डाउन जा चुकी थी और मैं इंतजार करता रहा कि वो दरवाजा खोलेगा। उसने दरवाजा खोला नहीं और पता नहीं क्यों मुझे और मेरी वाइफ को ऐसा क्यों लगा कि समथिंग इज रॉन्ग और इमीडिएटली मैंने वो दरवाजा तोड़ा। और जब मैंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का सीन बहुत डेंजरस था, मेरा बेटा पूरी तरह बेहोश हो चुका था, उसको बिल्कुल होश नहीं था। हम लोग उसको फटाफट बाहर लेकर आए, खुली हवा में इसी बेड पर उसको रखा, डॉक्टर विनोद सकरानी को फोन किया, विनोद सकरानी ने तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गए। नसीब मेरा अच्छा है कि मेरे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में ही ये हॉस्पिटल है, वहां पर मैं उसको लेके गया, वहां पर उन्होंने इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन चढ़ाया और उसके बाद डॉक्टर ने घर में आकर मेरा बाथरूम देखा और उसने मुझे एक ही सवाल पूछा, हाउ यू कैन डू दिस, तुम्हारे घर में गैस गीजर इनसाइड द बाथरूम कैसे लगा सकते हो। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उनको पूछा एक्चुअल बात क्या है। तब ये जो घटना कल और आज तमाम न्यूज़पेपर में उस लड़की की आ रही है, सेम सिचुएशन हमारे साथ में होने वाला था। जब गैस का गीजर बंद बाथरूम में फिक्स किया जाता है तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल वो कर लेता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड भारी संख्या में आपके बाथरूम में जमा होता है और आपका मेंबर कोई भी वहां पर फैमिली का 10 से 15 मिनट के साथ से ज्यादा समय में वहां पर अंदर जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वहां पर बेहोश हो जाता है। सही समय पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसकी डेथ हो सकती है और डेथ नहीं हुई और आपका नसीब अच्छा रहेगा वो बच गया तो भी वो पैरालिसिस उसको हो सकता है और ये बहुत डेंजरस बात है। मेरा बेटा तो स्पोर्ट्समैन है, भगवान की मेहरबानी है कि मेरा बेटा बच गया और ये गीजर हमने तुरंत निकलवा लिया, इलेक्ट्रिक गीजर बिठा लिया, हम लोग तो बच गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों लोग बंबई में या अलग अलग शहरों में जिनके घर में पाइप से गैस लाइन आती है वो लोग ये गीजर को बिठाते। गाइज मैंने फैसला किया था मैं महानगर गैस के ऊपर केस करूंगा लेकिन बाद में मुझे उनका मैनुअल पढ़ने के पता चला दे नेवर अलाउ, दे नेवर अप्रूव फिक्सिंग गैस गीजर इनसाइड द हाउस। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कंप्लेंट करेंगे हम ही आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे क्योंकि आपने इल्लीगली इसको बिठाया है। अगर आपके घर में गैस पाइपलाइन है तो प्लीज गैस का गीजर पानी गर्म करने के लिए अपने घर में बिल्कुल मत फिक्स कीजिएगा क्योंकि इससे आपके बच्चे की, आपके फैमिली मेंबर की डेथ हो सकती है या फिर उनको पैरालिसिस हो सकता है। केबीसी में अमिताभ बच्चन जी के सामने एक पार्टिसिपेंट आई थी जिन्होंने अपने बच्चे को उस प्रोग्राम में लाया था, दैट वॉज ऑल्सो द सेम केस। इमोबाइल बच्चा है, नौजवान लड़का है, ऐसा बैठा हुआ रहता है, वो इसी केस की वजह से हुआ है। एंड आखिरी बार डॉक्टर विनोद सकरानी जो बहुत मशहूर पीडियाट्रिशियन है उनके साथ बात करते वक्त मुझे मालूम पड़ी कि चलो ठीक है, भगवान की मेहरबानी आज तक आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके घर में गैस गीजर है, ऐसी घटना कोई भी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कभी नहीं होगी। और उससे भी डेंजरस बात तो यह है कि रोज
कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप नहाते रहते आप इनहेल करते रहते धीरे 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 इंसान के ब्रेन के ऊपर इसका असर होता है और एक न एक दिन इसका बहुत डेंजर आउटकम होने वाला है। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट, वॉट एवर आई सेड प्लीज पे अटेंशन टू इट, दिस इज द ओनली मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज पास ऑन दिस मैसेज।